अब क्या होगा कि हमारे पास जो रीडिस्ट्रीब्यूशन थी ब्लड की स्किन की तरफ या इंटेस्टाइन की तरफ, अब वहां से छोड़ के मैक्सिमम अमाउंट जो ब्लड है वो ब्रेन, हार्ट और स्केलेटल सिस्टम की तरफ जो है मूव करवा देगा। कौन? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि अब इमरजेंसी में वो बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है कि वो अच्छे से जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। अच्छा, इसके अलावा जो मेन जो आप लोगों को याद करना है कॉन्सेप्ट या अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, वो ये है कि अब क्या होगा, ये सब कुछ तो हो जाएगा उसी वक्त जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल ट्रैक की, मीन्स कि हमारा फूड जिस तरीके से पास होता है वह हमारे इंटेस्टाइन ट्रैक में एक मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्सिस। अब वो मूवमेंट जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस मूवमेंट को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, और इसी तरीके से वो हमारे स्पिंक्टर्स जो है उनको भी क्लोज कर देगा। हर जो स्पिंक्टर्स है जीआईटी ट्रैक में, आगे चल के आप एनएलए स्पिंक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे, सो उन सब स्पिंक्टर्स को क्या होगा कि जो जीआईटी ट्रैक की एक्टिविटीज हैं उनको फिलहाल इनहिबिट कर देगा, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो ना कि इमरजेंसी में कोई भाग रहा है, ठीक है, और जो है उसके लोअर ईसोफिगस के या उसके जो भी स्पिंक्टर्स वगैरह हैं वो क्लोज ना हुए हुए हों। फॉर एग्जाम्पल किसी के यूरिनरी ब्लैडर के जो स्पिंक्टर्स हैं, अगर स्पिंक्टर्स जो है वो क्लोज ना हो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, सो क्या हो सकता है कि यूरिन भी पास आउट हो सकता है। तो इस वजह से इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए मीन्स कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो इस तरीके से कंट्रोल हो करता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है कि वो सारे स्पिंक्टर्स को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, ताकि प्रेशर की वजह से वो स्पिंक्टर्स जो है वो ओपन ना हो, तो उनको टाइटली क्लोज कर देता है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। सो कितने अमेजिंग से उसके काम है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या थी, हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सारी एक्टिविटीज थी। अब द एक्टिविटीज ऑफ द पैरासिंपैथेटिक पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एम एट कंजर्विंग एंड रिस्टोरिंग एनर्जी। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली वो समझें कि रेस्ट में काम करता है, ठीक है, मीन्स कि हमारी बॉडी को रेस्ट में जो एक्टिविटीज करनी होती हैं वो सारे काम कौन करता है? हमारे पास पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब उसका काम क्या होता है या उसका एम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी की ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी है उसे कंजर्व कर सके और उसको रिस्टोर कर सके, ठीक है। दे स्लो द हार्ट रेट, हमारा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को स्लो रखता है। पेरिस्टाल्सिस जो है हमारे पास इंटेस्टीन की, इंक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस ऑफ द इंटेस्टीन एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटी एंड ओपन द स्फिंक्टर। सो वो हमारे जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है इंटेस्टीन की, मतलब ड्यूरिंग फूड पासेज वगैरह, सो वो उन सबको कौन कंट्रोल करता है? पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे जो स्फिंक्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज, मतलब उनको नर्व सप्लाई करता है, उनको सप्लाई करता है कि जब हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट हो कि स्फिंक्टर्स को ओपन होना है तो वो सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करेगा? हमारे पास पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक नॉर्मल हमारी जो रूटीन होती है उसे कौन कंट्रोल कर रहा होता है? पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देन हमारे जो ग्लैंडुलर एक्टिविटीज होती हैं उन तमाम को भी कौन कंट्रोल करते हैं? पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किस तरीके से? रेस्ट में कंट्रोल करता है। सो ये सारी एक्टिविटी रेस्ट में हमारे पास पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, और सिंपैथेटिक ये एक्टिविटीज किस में करता है लेकिन उनके फंक्शन चेंज होते हैं वो करता है जब हमारी बॉडी किसी इमरजेंसी में हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी बात लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड इंटीग्रेट्स द एक्टिविटी ऑफ द ऑटोनॉमिक एंड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, थस प्रिजर्विंग होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है। और जो हमारे पास ऑटोनॉमिक और न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम की जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में है वो कंट्रोल कर रहा होता है, ताकि हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसे रेगुलेट कर सके, ठीक है। सो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मेन हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है क्या, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ आप लोगों को ना इसके डिफरेंस याद कर लेने हैं। ये डिफरेंस आपके जो है वो फिजियो में भी आ सकते हैं, और आपके यही डिफरेंस जो है आपके एनाटॉमी में भी आ सकते हैं, ठीक है। कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं, आप लोग उस पर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख लो, या एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों को एटलीस्ट इतने सिस्टम के जो है इन दो सिस्टम के इतने डिफरेंस तो आने चाहिए, ताकि आप लोग नॉर्मली जो है जो भी आप आगे चल के सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि जीआईटी ट्रैक में जाके आप लोगों को
कहीं भी होम्योस्टेसिस जब आप उसको टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे कि तो आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता हो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी जो है इन्वॉन्ट्री स्ट्रक्चर्स को इनर्वेट करता है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड को। फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दी गई है, उसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, बेसिकली ये प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर इमरजेंसी के लिए। सो मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है बॉडी को इमरजेंसी के लिए। ये लाइन लाजमी याद रखिएगा अपने पास। उसके बाद है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कंजर्व एंड रिस्टोर एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसे कंजर्व कर रहा है और रिस्टोर कर रहा है, ठीक है। सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, हार्ट रेट को एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, मींस एक्सेलरेट हार्ट रेट। और हमारे पास जो पैरासिंपैथेटिक है वो क्या कर रहा है, स्लो हार्ट रेट, हार्ट रेट को या हार्ट की एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर रहा है, ठीक है, मींस कि नॉर्मल हमारे हार्ट की जो एक्टिविटीज हो रही है उन्हें कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था वो किस तरीके से एक्टिविटीज हार्ट की इंक्रीज कर रहा था, वो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था, जिसकी वजह से राइजेस द ब्लड प्रेशर, ठीक है, उनको ब्लड प्रेशर को हमारी को राइज कर रहा था। इसके अलावा इनहिबिट्स पेरिस्टाल्सिस ऑफ द इंटेस्टाइन ट्रैक एंड क्लोजेस द स्फिंक्टर्स, इनहिबिट कर रहा था हमारी इंटेस्टाइन ट्रैक की जो पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट थी उसे इनहिबिट कर रहा था और क्लोज कर रहा था स्फिंक्टर्स को। लेकिन जो हमारे पास पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था वो उसके ऑपोजिट काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था, इंक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसको इंक्रीज कर रहा था और इंक्रीज ग्लैंडुलर एक्टिविटी एंड ओपन स्फिंक्टर। और ये क्या कर रहा था, जो हमारी ग्लैंडुलर एक्टिविटीज थी उनको भी इंक्रीज करवा रहा था और स्फिंक्टर्स को ओपन कर रहा था। सो ये हमारे पास जो नोट्स है ना, बेसिकली ये जो नोट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए ना, ये सारे जो अभी हम लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितना पढ़ा उससे रिलेटेड है, ठीक है। आप ये नॉर्मली डिफरेंस याद कर लेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को यहाँ से सिनेल से पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए इनफ है एज अ मेडिकल स्टूडेंट फॉर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक अब ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आगे चल के हम लोग अलग से जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया है उसे नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। आई होप यहाँ तक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ये डिफरेंसेस याद कीजिएगा, ठीक है, लाजमी ये डिफरेंसेस एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा और अपने पास देख लीजिएगा ताकि फर्दर आप चाहे FCPS के लिए या अपने NLE के लिए किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग स्नेल ओपन करते हो तो एटलीस्ट आपको हर चैप्टर के हर मेन पॉइंट्स आप लोगों को याद होंगे, ठीक है। सो आई होप आप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये नोट्स मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। सो अगर जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकता है। सो आई होप गाइस आप लोगों के लिए ये सारी वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोज को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, इन वीडियोज को भी शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज जो है वो अपलोड करती रहूँ। स्टूडेंट